अनलॉक वन में धार्मिक स्थलों को खोले जाने के निर्णय के बाद बुधवार को जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर के निर्देशन में विकास खंड भटहट के जंगल डुमरी नंबर 2 स्थित बास स्थान मंदिर परिसर में सफाई कर्मियों ने सोडियम हाइपोक्लोराइड से स्प्रे मशीन के माध्यम से पूरे मंदिर परिसर एवं बाहर भी खुली दुकानों एवं अन्य मंदिरों तथा मस्जिदों पर भी सैनिटाइज किया। आम जनमानस को मंदिरों में दर्शन एवं पूजा अर्चना करने के लिए खोले जाने पर बड़ी मात्रा में मंदिरों में भीड़ के दृष्टिगत रखते हुए संक्रमण की संभावना न हो, ऐसे में पंचायती राज विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी मंदिरों मस्जिदों को सैनिटाइज किए जाने की कार्रवाई कर रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने कहा, देखिए खाना वाना बन रहा है, उधर नहीं उधर नहीं खाने पर नहीं उधर मत जाइए, इधर ही बात तुम्हारी दीवारों पर इधर ही बात दीवारों पर सभी ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी हमारे मंदिर मस्जिद या कोई भी और पूजा घर हैं चाहे चर्च हों, इसके लिए हमने सभी एडीओ को और सभी सचिवों को निर्देश दिया है और प्रधान गणों से भी अनुरोध किया है कि वो ऐसे हर मंदिर को, हर मस्जिद या हर चर्च को सैनिटाइज करा दें ताकि वहाँ पर किसी प्रकार का संक्रमण का खतरा ना रहे, और ये सैनिटाइजेशन जो रेगुलर इंटरवल पे हर एक हफ्ते में या हर एक दो दिन पे अल्टरनेट डे पे होता रहे।